आज का मधुरिमा कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूं मैं आप ही की दोस्त रूपा धवन। आज हम मधुरिमा में बात करेंगे राग भैरवी की, जिसे प्राचीन रागों में से एक कहा जाता है। ये लगभग 1500 वर्ष पहले से ही प्रचलित था। सुनेंगे आज इस राग पर आधारित गीतों को। तो सबसे पहला हमने गीत आज शामिल किया है राग भैरवी का, फिल्म जानवर से मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत आप सभी के लिए। नमस्कार। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, ओ तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। मत पूछो हम पर क्या गुजरी, बिजली सी गिरी और दिल पे पड़ी, हम दिल से गए, हम दिल से गए, हम जहां से गए, बस आंख मिली और बात बड़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, तन तन कर जालिम ने अपना, हर तीर निशाने पर मारा, है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं, दिल का घायल बेचारा। तन कर जालिम ने अपना, हर तीर निशाने पर मारा, है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं, दिल का घायल बेचारा। उसे देख के लाल दुपट्टे में, मैंने नाम दिया है लाल छड़ी, हम दिल से गए, हम दिल से गए, हम जहां से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जहां से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। काश हम भी वोट दे पाते। क्यों दोस्त, हम दिव्यांगों को तो अधिकार है वोट देने का। लेकिन हरीश, वोटिंग बूथ पर जाना तो बड़े झंझट का काम है। राकेश भाई, हम जैसों को सक्षम बनाने के लिए वोटिंग बूथ पर कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आज हमें पोलिंग बूथ पर ले आने और वहां से ले जाने तक, और साथ ही रैंप और खास दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय जैसी सुविधाएं हमारे लिए वोटिंग करना और भी आसान कर देती हैं। अरे वाह, इस बार तो वोट देना पक्का है। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिविजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in
IN पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी वर्ष 2023 और क्या है 31 अक्टूबर को सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर, 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। ICC विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें आकाशवाणी पर ICC विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण अर्थात PIDPI के अंतर्गत आप गोपनीय शिकायत कर सकते हैं। सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी शिकायत भेजिए और लिफाफे पर PIDPI जरूर लिखिए। शिकायतकर्ता का नाम पता बंद लिफाफे में पत्र पर लिखा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.cvc.gov.in। इरेडा द्वारा जनहित में जारी। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण अर्थात PIDPI के अंतर्गत आप गोपनीय शिकायत कर सकते हैं। सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी शिकायत भेजिए और लिफाफे पर PIDPI जरूर लिखिए। शिकायतकर्ता का नाम पता बंद लिफाफे में पत्र पर लिखा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.cvc.gov.in। इरेडा द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। राग भैरवी में अनेक रचनाएं हैं। हिंदुस्तानी संगीत में भैरवी नामक राग जो है इसकी अनेक रचनाएं। इस राग के अलावा, इस हिंदुस्तानी संगीत के अलावा कर्नाटक संगीत में भी मेल खाती है। ये अनेकों भावों को उत्पन्न करने वाला राग है, इसलिए राग भैरवी को रागों की रानी भी कहा जाता है। सुनते हैं हमारा अगला गीत जो कि राग भैरवी पर ही आधारित है। ये गीत हमने लिया है आशिक फिल्म से। स्वर हैं मुकेश और लता जी के, ताल कहरवा और संगीत शंकर जयकिशन जी का। Thank you.
फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। जब से है जन्मी प्यार की दुनिया, तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन। तुझ बिन ये दुनिया बेनूर, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं हारी किस्मत अंधी किस्मत, देख सकी ना मेरी तेरी खुशी। हारी किस्मत अंधी किस्मत, देख सकी ना मेरी तेरी खुशी। हारी उल्फत बेबस उल्फत, रोके थकी जल जल के मरी। दिल जो मिले किसका था कसूर, दिल जो मिले किसका था कसूर। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, ये इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर।
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम मधुरिमा, और मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं राग भैरवी और राग भैरवी पर आधारित फिल्मी गीतों की। जैसा कि हमने अभी बात की कि राग भैरवी को रागों की रानी कहा जाता है। संगीतकार की प्रस्तुति की अनूठी शैली के साथ इस राग को एक जादुई स्वाद देती है अनूठी शैली। रोमांस से विलाप तक, देशभक्ति से भक्ति तक, ये ऐसा सदाबहार राग है जिसे हर हिंदुस्तानी संगीत समारोह के अंत में गाया बजाया जाता है। आइए सुनते हैं मुकेश के स्वर में अनाड़ी फिल्म से ये गीत, जो कि आधारित है राग भैरवी पर। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा,
प्यार का रंग उतरते देखा हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी असली नकली चेहरे देखे दिल पे सौ सौ पहरे देखे मेरे दुख पे दिल से पूछो क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी राग भैरवी भैरवी थाट का आश्रय राग है हालांकि इस राग का गाने का समय प्रातःकाल है पर इस राग को गाकर महफिल समाप्त करने की परंपरा प्रचार में है जैसा कि हमने आपको पहले बताया आजकल इस राग में 12 स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का चलन बढ़ गया है ऐसा कौन संगीत मर्मज्ञ है या कौन संगीत का ऐसा रसिया होगा जिसने राग भैरवी का नाम ना सुना हो इसके स्वरों को ना सुना हो इस राग के इतने लचीले भावपूर्ण तथा रसग्राही स्वर हैं कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इस राग की प्रकृति चंचल है इसमें ख्याल नहीं गाए जाते इसमें भक्ति तथा श्रृंगार रस की अनुभूति भरपूर होती है इसलिए इसमें भजन ठुमरी टप्पा गजल आदि गाए जाते हैं सुनते हैं राग भैरवी पर ही आधारित आज का अगला गीत फिल्म कस्मे वादे स्वर आशा किशोर और रफी के मिल जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने मिल जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने मार के मन को जिए तो क्या जिए जिंदगी है मुस्कुराने के लिए हर मार के मन को जिए तो क्या जिए जिंदगी है मुस्कुराने के लिए जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं
जो भी है यहीं पे है, साथ कुछ जाता नहीं। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हमराज न हो तो ही सुना ये जहाँ। प्रत्येक पहर में गाए जाने वाले राग भैरवी, इसे सदा सुहागन राग भी इसीलिए कहा जाता है। ये राग शांति, उल्लास, चेतना और प्रतीक्षा के किसी मिलन बिंदु पर छिटकी मिलती है। ये थी आज मधुरिमा में राग भैरवी पर आधारित जानकारी आप सभी के लिए। फिलहाल आज मधुरिमा से इतनी जानकारी के साथ रूपा विदा लेती।